एक तो हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, ऊपर से तुम्हारी माँ की क्या आत्मा, तुम्हारी माँ की आत्मा से बात कराने लायो ना। जी बाबा, करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जा दोस्तों, कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने सिनेमाघरों में तूफान मचा रखा है। फिल्म ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है और फिल्म ने अभी तक अपने नाम कई रिकॉर्ड कर लिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि साल 2022 में बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई थी उन सभी फिल्मों को पीछे करके भूल भुलैया 2 नंबर 1 पर आ चुकी है और अभी तक अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 2 फिल्म के पूरे 8 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप कार्तिक आर्यन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें भूल भुलैया 2 फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनीस बज्मी के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और कार्तिक आर्यन के साथ तब्बू, क्यारा आडवाणी और राजपाल यादव हमें अहम किरदारों में देखने को मिले। वहीं फिल्म का जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो था 14 करोड़ 11 लाख रुपए। यानी कि जब ये फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई थी अपने पहले दिन तो फिल्म ने इंडिया के अंदर 14 करोड़ 11 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी। वहीं दूसरे दिन सैटरडे को फिल्म का कलेक्शन रहा था 18 करोड़ 34 लाख रुपए। वहीं तीसरे दिन संडे को फिल्म ने 23 करोड़ 51 लाख रुपए की कमाई की थी और चौथे दिन मंडे को फिल्म ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे और पांचवें दिन ट्यूसडे को फिल्म ने 9.5 करोड़ रुपए कमाए थे और वहीं छठवें दिन वेनसडे को फिल्म ने 8.5 करोड़ रुपए की कमाई की है और वहीं सातवें दिन थर्सडे को फिल्म ने 7.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। तो कुल मिला के टोटल अभी तक 7 दिनों में इंडिया से जो नेट कलेक्शन हुआ है भूल भुलैया 2 का वो हो चुका है 92 करोड़ रुपए। अब दोस्तों वहीं अगर बात करें आठवें दिन यानी कि आज की, तो आज की जो एडवांस बुकिंग है वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए की है। तो फिल्म आज भी कम से कम 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली है और इंडिया में पहले 8 दिनों का जो नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है भूल भुलैया 2 का वो होने वाला है 98 करोड़ रुपए। वहीं फिल्म ओवरसीज से भी लगभग 18 करोड़ रुपए कमा चुकी है तो फिल्म का 116 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड में नेट कलेक्शन हो चुका है। वहीं अगर बात करें हम ग्रॉस कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बताता चलूं मैं कि 135 करोड़ रुपए फिल्म का पूरे वर्ल्ड में ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का था तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। अब आगे जो फिल्म कमाई कर रही है वो ब्लॉकबस्टर होने के लिए कर रही है। वैसे आपको कैसी लगी ये फिल्म भूल भुलैया 2 कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।